इंडिया टीवी पर आप देख रहे हैं दोपहर प्राइम टाइम। मैं हूं आपके साथ पवन नारा। यूपी के बाहुबली नेता रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया एक बार फिर सुर्खियों में हैं, लेकिन इस बार हेडलाइन की वजह उनका बाहुबल नहीं बल्कि शादीशुदा जीवन है। हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर शादी के 27 साल बाद और 4 बच्चों के बावजूद क्यों तलाक पर तक बात पहुंच गई है। राजा भैया और रानी भवानी की बात, आखिर ऐसा क्या हुआ कि प्रतापगढ़ के कुंडा से विधायक राजा भैया के तलाक का मामला दिल्ली की कोर्ट तक पहुंच गया है। राजा भैया की तलाक की अर्जी पर अदालत ने उनकी पत्नी भवानी को नोटिस जारी कर 23 मई तक जवाब मांगा है, लेकिन सवाल वही है कि राजा और रानी की पिक्चर में आखिर जादू जुदाई का क्लाइमेक्स कहां से आया। एक राजा एक रानी, राजा प्रताप गढ़कुंडा का, रानी बस्ती राजघराने की, दोनों की शादी हुई, बच्चे हुए, 27 साल एक दूजे के साथ रहे, लेकिन अब 27 साल के रिश्ते में आ गई है दरार। यूपी के प्रतापगढ़ के कुंडा इलाके से आते हैं रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया, जिनका यूपी की सियासत पर जबरदस्त दबदबा माना जाता है। 1993 से लगातार सातवीं बार राजा भैया अपने निर्वाचन क्षेत्र कुंडा से विधायक चुन करके आ रहे हैं। वो भद्री और कुंडा के राजकुमार भी हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यूपी सरकार में वो जेल और खाद्य रसद मंत्री भी रह चुके हैं, लेकिन फिलहाल अपनी पर्सनल लाइफ की वजह से राजा भैया चर्चा में बने हुए हैं। रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया, राजा भैया की अपनी पार्टी है, अपना रूल है और अपने उसूल है। प्रतापगढ़ के कुंडा में राजा भैया का किला नुमा राजमहल भी है। इस राजमहल फरियाद लेकर पहुंचते हैं राजा भैया, उनकी समस्याएं सुनते हैं, जज बनकर फैसला सुनाते हैं, और वो फैसला पत्थर की लकीर होता है जिसकी मुखालफत कोई नहीं कर सकता है। लेकिन इन दिनों कुंडा के भद्री महल में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, और उसकी वजह है राजा और रानी के बीच आई दूरियां। राजा भैया और उनकी पत्नी भानवी कुमारी की 27 साल की शादी पर ग्रहण लग गया है। तलखी इतनी बढ़ गई कि दोनों पिछले 2 साल से साथ नहीं रह रहे हैं, और अब तो मामला तलाक तक पहुंच गया है। राजा भैया ने दिल्ली की साकेत कोर्ट में पिछले साल नवंबर में डाइवोर्स की पिटीशन फाइल की थी, जिस पर आज इस मामले में सुनवाई होनी थी, लेकिन किसी कारणवश इस मामले में जो सुनवाई थी वो अदालत में टल गई। राजा भैया की पत्नी भानवी सिंह ने जवाब देने के लिए अदालत से कुछ समय मांगा है, जिसके बाद दिल्ली की साकेत कोर्ट ने इस मामले में अगली तारीख 23 मई मुकर्रर की है। राजा और रानी के बीच क्यों तकरार हुई? राजा और रानी के बीच तलाक की नौबत क्यों आई? देवर के खिलाफ भाभी ने क्यों दर्ज कराई FIR? इन सारे सवालों का जवाब जानने के लिए आपको थोड़ा फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा। पहले समझना पड़ेगा कि राजा भैया की पत्नी कौन है, उन्होंने पति के किस करीबी भाई के खिलाफ FIR दर्ज कराई, और अब राजा भैया क्यों अपनी पत्नी से तलाक चाहते हैं। स्वाभाविक रूप से अपने छोटे भाई के साथ। सबसे पहले बात राजा भैया की पत्नी भानवी की। राजा भैया कुंडा के राजा हैं, तो उनकी पत्नी भानवी भी बस्ती राजघराने की राजकुमारी है। भानवी का जन्म 10 जुलाई 1974 को हुआ था। उनके पिता बस्ती राजा के छोटे बेटे कुंवर रवि प्रताप सिंह हैं। रवि प्रताप सिंह की 4 बेटियां हैं, इनमें भानवी तीसरे नंबर की बेटी है। भानवी की शुरुआती पढ़ाई बस्ती से हुई, 8वीं तक की पढ़ाई जिले के सेंट जोसेफ स्कूल से की। इसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए वो अपनी माँ के साथ लखनऊ चली गई। राजा भैया और भानवी की शादी 1995 में हुई थी। उस समय राजा भैया की उम्र 25 साल थी, जबकि भानवी 20 साल की थी। राजा और भानवी की शादी को यूपी के 2 मजबूत राजघरानों का मिलन बताया गया था। राजा भैया और भानवी सिंह की जब शादी हुई तो अगले दिन विदाई की रस्म के दौरान एक किस्सा लोग आज भी याद करते हैं। उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव शादी में समधी के रूप में मौजूद थे। शादी की प्रोसीडिंग चल रही थी, विदाई समारोह चल रहा था, उसी दौरान
राजा भैया के सामने उनकी समधन के तौर पर भवानी सिंह की मां मंजुल सिंह ने लाल रंग फेंक दिया था। एकाएक मौके पर सन्नाटा छा गया, किसी को कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन जब मुलायम सिंह यादव को इस रस्म के बारे में बताया गया तो वो भी हंसने लगे। शादी के बाद राजा भैया और भानवी सिंह का रिश्ता बेहद खुशनुमा रहा। दोनों करीब 27 साल तक एक दूसरे के साथ रहे। इस दौरान राजा भैया और भानवी सिंह के 4 बच्चे हुए। इनमें से 2 जुड़वा बेटे शिवराज सिंह, ब्रजराज सिंह और बेटियां राधावी और ब्रजेश्वरी हैं। लेकिन अब उम्र के इस पड़ाव पर राजा और रानी की कहानी में तलाक वाला ट्विस्ट आ गया है। राजा भैया के करीबी अक्षय प्रताप पर धोखाधड़ी का एक आरोप उनकी पत्नी ने लगाया था, राजा भैया की पत्नी ने, लेकिन ये विवाद इस कदर बढ़ गया कि नौबत तलाक तक आ गई। राजा भैया पूरी तरह से अक्षय प्रताप के समर्थन में खड़े हैं और लगातार वो उनकी पैरवी भी कर रहे हैं। इस पूरे मामले में पिछले 2 साल से देखा जा रहा है कि राजा भैया की पत्नी दिल्ली ही आकर रह रही है, यानी कि दोनों अलग रह रहे हैं। हालांकि बीच में बहुत सारे ऐसी भी कोशिशें हुई जिससे दोनों के दरमियान सुलह हो जाए, लेकिन कोई भी कोशिश रंग नहीं लाई और अब साकेत कोर्ट तक ये मामला पहुंच चुका है। फैमिली कोर्ट में यहां पर सुनवाई इस मामले में चल रही है। 23 मई को अब फिर से सुनवाई होगी, तब देखना होगा इस मामले में आगे क्या होता है। जिन्हें राजा भैया अपना भाई कहते हैं वो अक्षय प्रताप सिंह कौन है? अक्षय प्रताप पर भानवी कुमारी ने क्यों धोखाधड़ी का आरोप लगाया, अब इसे भी समझिए। दरअसल अक्षय प्रताप सिंह अमेठी की जामो रियासत के राजकुमार हैं। उनके राजनीतिक करियर की शुरुआत प्रतापगढ़ से राजा भैया के साथ हुई। गोपाल जी ने 2004 में प्रतापगढ़ से लोकसभा का चुनाव लड़ा और विजयी होकर संसद पहुंचे। गोपाल जी इस वक्त राजा भैया की जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी से MLC हैं। गोपाल जी को राजा भैया का सबसे खास माना जाता है, लेकिन राजा भैया के इसी खास शख्स पर उनकी पत्नी ने मुकदमा दर्ज करा दिया और वो भी धोखाधड़ी का। भानवी कुमारी ने 9 फरवरी 2023 को अक्षय प्रताप सिंह समेत 5 लोगों के खिलाफ नई दिल्ली की आर्थिक अपराध थाने में केस दर्ज कराया था। ये मामला श्री द प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड से जुड़ा है। भानवी ने दावा किया था कि वो इसकी डायरेक्टर हैं और उनके पास इससे जुड़े सबसे ज्यादा शेयर हैं। भानवी का आरोप था कि अक्षय प्रताप सिंह ने गलत तरीके से कंपनी के दस्तावेज के बारे में जानकारी ली, उनके जाली हस्ताक्षर बनाए गए। अक्षय ने अपने साथियों के साथ मिलकर उन्हें कंपनी से बेदखल करने का प्रयास भी किया। उन्होंने धोखे से अपने खास लोगों को कंपनी के निदेशक के तौर पर धोखे से नियुक्त कर दिया। अक्षय प्रताप सिंह पूरी कंपनी हड़पना चाहते हैं। इस FIR के बाद राजा भैया का बयान भी सामने आया था। उन्होंने लखनऊ में कहा था कि इस मामले में वो अपने भाई के साथ है। स्वाभाविक रूप से अपने छोटे भाई के साथ नहीं, लेकिन आपकी पत्नी ने FIR तो क्या हुआ? अब FIR हुई है, जो उसकी सच्चाई होगी सामने आएगी, कोई चिंता की बात नहीं। जहाँ तक हमारी जानकारी है कोई धोखाधड़ी नहीं, बाकी विवेचना का विषय है, अभी प्रतीक्षा करिए जल्दबाजी में। वो घर घर की कहानी है, छोड़िए। MLC अक्षय प्रताप सिंह उर्फ गोपाल जी के साथ हुए इस ताजा विवाद के बाद राजा भैया और उनकी पत्नी के बीच पैचअप को लेकर के जो संभावना जताई जा रही थी वो भी करीब करीब खत्म होती हुई नजर आ रही है। ऐसे में दोनों के सामने अब इकलौता रास्ता तलाक का ही बचता है। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर राजा भैया का तलाक होता है तो क्या इसका असर उनके राजनीतिक जीवन पर भी पड़ेगा? राजा भैया 1993 से लगातार प्रतापगढ़ की कुंडा विधानसभा सीट पर निर्दलीय जीत दर्ज कर रहे हैं। 2018 में राजा भैया ने खुद की पार्टी भी बनाई थी। 30 नवंबर 2018 को विधानसभा में हमारे 25 वर्ष पूरे हुए, तो सारे कार्यकर्ताओं से, सभी समर्थकों से, शुभचिंतकों से एक राय ली गई कि 25 वर्ष पूरे हो गए, अब कुछ बदलाव होना चाहिए, आगे क्या करें, किसी पार्टी की सदस्यता लें, ऐसे ही निर्दलीय लड़ते रहें या स्वयं की पार्टी बनाई जाए। तो अधिकांश शुभचिंतकों ने ये राय दी कि अब स्वयं की पार्टी बनाई जानी चाहिए। जहाँ तक पार्टी बनाए जाने की बात है, हम ये पुनः स्पष्ट करना चाहेंगे कि ऐसा नहीं है कि किसी राजनीतिक दल में रहे हों, तवज्जो न मिल रही हो, उपेक्षित किया गया हो, इसलिए उस पार्टी से अलग हो करके अपना एक अलग घटक या अपना एक अलग दल बना लिया, ऐसा नहीं था। ऐसा भी नहीं था कि कोई भाई भतीजेवाद या इस तरह के कोई या किसी एक जाति विशेष को लेकर के। राजा की पार्टी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक में इस वक्त 2 विधायक, 1 MLC, 1 जिला पंचायत अध्यक्ष समेत कई ब्लॉक प्रमुख हैं। प्रतापगढ़ में राजा भैया को चुनौती देने के बारे में कोई सोचता भी नहीं है।
कई बार कई लोगों ने कुंडा में राजा भैया की सियासत की कुंडी बंद करने की कोशिश की, लेकिन हर बार उन्हें मात मिली। पिछले विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने राजा भैया के कभी खास रहे गुलशन यादव को उनके खिलाफ उतारा था, लेकिन राजा भैया ने गुलशन यादव को 30,000 से ज्यादा वोटों से शिकस्त दे दी। लेकिन अब देखना यह है कि क्या पत्नी के साथ आए रिश्तों में खटास के बाद क्या राजा भैया को सियासी चोट भी पहुंचेगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।